आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि डेटा चार किस्म का हम काउंट करते हैं जैसे मेजरमेंट हमने की थी जिसमें सबसे पहला जो डेटा है वो हमारे पास होता है नॉमिनल फिर आता है हमारे पास ऑर्डिनल फिर हमारे पास आता है इंटरवल एंड द फोर्थ वन इज़ कॉल्ड रेशियो और यही नहीं है जब हम डेटा को काउंट कर रहे होते हैं या डेटा को मेयर कर रहे होते हैं या डेटा के बारे में हम इंफॉमेसन को लिख रहे होते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डेटा कलेक्शन या डेटा मेयरमेंट अब डेटा कलेक्शन और डेटा मेजरमेंट के अंदर हमने डिफरेंट किस्म की चीजें देखी जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन को हमने डिस्कस किया लेकिन उससे भी आगे चीज़ आती कि डेटा आपने ले लिया आपके पास मेन मीडियन मॉट के साथ साथ आपके पास डिस्पर्शन भी आ गया लेकिन ये डिस्पर्शन जो डेटा का है और सेंटर जो डेटा का है ये इस पे डिपेंड करता है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कई किस्मों की है जो आज हम देखने भी वाले हैं और इसको अच्छे से हम मद्देनज़र रख के देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको काउंट इन करते हैं जब हम डेटा की मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? उसमें प्ले करती है अपना रोल सो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी अब यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जब हम कोई भी किस्म का डेटा जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं तो डेटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक डेटा होता है उसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा ठीक है data, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कैटेगोरिकल डेटा और एक डेटा ऐसा होता है जो हमारे पास होता है न्यूमेरिकल डेटा न्यू मैरिकल डेटा अब ये दो किस्म का जो डेटा है इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो हम बड़े दिनों से देखते आ रहे हैं जो डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं डेटा को देखते हुए उनको मद्देनज़र अगर हम रखें तो हमारे पास काफ़ी किस्म के डिफरेंसेस आते हैं नाउ वी विल सी कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से कैटेगोरिकल डेटा से मुराद ये है कि जो हमारे पास एज का लफ्ज़ लिखा आया है अगर हम इसको दो या तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं यंग Old, या हम कह देते हैं न्यू बोर्न तो हमें यह देख के पता चल रहा है कि हमारे पास इस डेटा के अंदर डिफरेंट किस्म की इनसाइट्स छुपी हुई हैं जिनको ब्रॉडर इनसाइट्स broader भी बोला जाता है तो यह कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आती है लेकिन अगर इसको नुमेरिक में लिखें तो एज हमारे पास एक नंबर देगा जैसे सत्तर साल की उम्र जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैंतीस साल की उम्र चालीस साल की उम्र पचहत्तर साल की उम्र या हमारे पास पॉइंट सिक्स यानी कि छः माह पॉइंट फाइव भी आप इसको लिख सकते हैं दिस इज़ छः माह तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाएगा लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जब आप उसको मैयर करते हैं तो उसका पॉइंट्स के अंदर आंसर आता है सिर्फ फॉर एग्जांपल आप वेट को मैयर करते हैं जिसकी एग्जांपल हम बारह दफा देख चुके हैं पैंतीस इशारिया पाँच छ तीस इशारिया तीन चार इस तरीके से जब डेटा आता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस डेटा ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट डेटा डिस्क्रीट और ये हमारे पास है कॉन्टीन्यूस अब कॉन्टीन्यूस डेटा जो होता है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन के थ्रू आता है और इसके दरमियान कोई गैप नहीं होता uh, मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स होते हैं से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपको वैल्यूज लिख के दू ये एक है ये दो है ये तीन है जब मेरे पास एक की वैल्यूज आएंगी मैं इसके ऊपर इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकता हूँ दो की आएंगी तो इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ तीन की आएंगी तो मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन जब मेरे पास ये हो गया डिस्क्रीट की एग्जाम्पल अगर मेरे पास कॉन्टीन्यूस डेटा हुआ तो जब मैं उसे ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक होगा यहाँ पे दो होगा यहाँ पे तीन होगा तो जब मेरे पास एक की वैल्यू आएंगी तो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा 1.5 तक आएंगी तो मैं इस तरीके से ड्रा करूँगा फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से मतलब ये कि दो से पहले पहले हमारे पास कई बार्स आ जाएंगी फिर जब दो की हम देखेंगे तो दो के अंदर हमारे पास और भी बार्स आ जाएंगी और अगर हम तीन की देखेंगे तो इस तरीके से और भी बार्स आ जाएंगी ये जो प्लॉट की टाइप है इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम या हिस्ट प्लॉट बोलते हैं ठीक है हिस्टोग्राम क्या होता है कोई भी एक डेटा जैसे कि मैंने एज का बताया अब एज जो है हमारे पास पाँच साल दस साल बीस साल तीस साल चालीस साल पचास साल ये हमारे पास डेटा है और पाँच साल वाले हमारे पास तीन लोग हैं दस साल वाले चार लोग हैं बीस साल वाले पाँच हैं तीस साल वाले दस हैं चालीस साल वाले नौ हैं और पचास साल वाले हमारे पास तीन लोग हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर हम एज लिखें ये एक नॉर्मल मैं ख़ुद से एक डेटा बना रहा हूँ और यहाँ पे इसका काउंट लिख दिया काउंट से मुराद ये है कि पाँच कितनी दफ़ा आ रहा है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम अपने डेटा को अगर काउंट में नहीं लिखना तो पाँच 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 ऐसे लिखेंगे दस को दस 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 ऐसे लिखेंगे बीस को पाँच दफ़ा लिखेंगे बीस 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 ठीक है और तीस को हम दस दफ़ा लिखेंगे तीस और ये दस दफ़ा जाएगा तो ये डेटा हमारा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अब जब हमारे पास कोई डेटा एक कॉलम के अंदर आता है तो वो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा होता है ठीक है और जब इस फॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास एक हिस्टोग्राम आता है अब इसका अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी एज और यहां पे आ गया फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज़ मेरे पास कितनी दफा आ रही है ठीक है मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ इक्वल होने चाहिए बट आई एम जस्ट मूविंग माय पॉइंटर और उसकी बेस पर मैं निशान लगा रहा हूं जस्ट टू लुक लाइक ठीक है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ के अंदर एक सौ दस यहाँ पर आ गया इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ फ्रीक्वेंसी को तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ जनाब पाँच दस पंद्रह बीस और इस तरीके से ऊपर जा सकते इसको मैं और भी छोटे स्केल में भी कर सकता हूँ सो इंस्टेड ऑफ पाँच मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस ऐसे कर लेते हैं अब आपने ये वाला डेटा जो है जो हमने यहां पे ड्रॉ किया है पांच कितनी दफा आ रहा है इसमें तीन दफा तो जब हम यहां पे पांच साल वाला कोई देखेंगे विच विल स्टार्ट लाइक हियर तो हम अब इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पे हमारे पास आए ठीक है मतलब ये ये हमारे पास तीन है इसके पास पास, पास पांच को हमने ड्रॉ किया तो इट वुड लुक लाइक दिस ये पांच था तो तीन के ऊपर जब हमने ड्रा किया यूजिंग बार प्लॉट तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई इसका मतलब ये है कि जो पाँच हमारे पास तीन दफ़ा आया वो ऐसे ड्रा हो गया अब इसी को अगर हम दस को देखेंगे तो वो चार दफ़ा आया तो दस को हम चार दफ़ा ड्रा करेंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली ड्रा टेन लाइक दिस ये दस है तो यहाँ से मैं ऐसे इसको ड्रा कर देता हूँ ये हमारे पास दस की वैल्यू आ गई बिकॉज दस जो है हमारे पास चार पे ड्रॉ हो गया इसी तरीके से हमारे पास अगली वैल्यूज हैं वी विल सी दैट जो हमारे पास बीस है, वो पांच है तीस दस दफा है so, सो जो है वो पांच दफा है तो यहां पे पांच आता है ये बीस है अब आप देखेंगे क्योंकि बीस और इसके दरमियान इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है ये पांच दफा बीस आ गया ठीक है अब तीस जो है ये दस दफा है तो तीस हमारा यहां से ड्रॉ होगा समथिंग लाइक दिस तो ये इसकी बार इस तरीके से आ जाएगी ठीक है ये मैं इसको अब फिल नहीं कर रहा यू नो दैट कि ये फिल हुई है यहाँ से बाहर तो हिस्टोग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है अब हमारे पास अगला पॉइंट आ गया अगला पॉइंट हमारे पास है चालीस के नौ है और पचास के तीन चालीस के नौ तो मैं चालीस यहां पर ड्रा करता हूँ समथिंग लाइक दिस और पचास के नौ पचास के तीन है पचास तीन दफा है तो पचास को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो आपने देखा कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा था अगर आप गौर करें डिस्क्रीट डेटा क्या होता है जिसमें पॉइंट्स की वैल्यूज़ नहीं होती और आप डेटा को एक फ़र्क के साथ ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि पाँच के बाद भी थोड़ा सा डिफरेंस है फिर दस और बीस के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है फिर सौ और आगे डिफरेंस आ गया तो इस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा को प्लॉट करना बोलते हैं ठीक है डिस्क्रीट डेटा को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया डिस्क्रीट अब डिस्क्रीट डेटा को जब आप प्लॉट करते हैं यू कैन सी कि जब मैं इसको ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँगा यानी कि कोई इसके ऊपर ये बार्स आ गई हैं ठीक है थीके? अब इस बार को मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ अगर इस बार के ऊपर मैं इस तरीके से लाइन लगाना चाहूंगा ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं यहाँ तक लाइन लगा सकता हूँ ये जो गैप है इसके मैं कैसे प्रजेंट करूँगा फिर ये जो गैप है मैं इसको कैसे प्रजेंट करूँगा ये वाला गैप मैं कैसे करूँगा प्रजेंट और ये वाला कैसे करूँगा और ये गैप्स जो हैं ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के अंदर प्रॉब्लम जो हैं वो देते हैं अब हमने क्या करना है हमने देखना है कि कंटीन्यूस डेटा जो है वो किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं ठीक है स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हम दोनों को ड्रा कर सकते हैं लेकिन वी विल सी कि किस में कौन सी हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आती हैं अब हम चलते हैं कॉन्टीन्यूस डेटा की तरफ कॉन्टीन्यूस डेटा क्या करेंगे हम इसी तरीके से उसे ड्रॉ करेंगे और आपको पता है अगर मैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पर मैं इस तरीके से निशान लगा देता हूँ दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अब आप अगर और गौर करें तो मेरे पास वैल्यू एक होल नंबर में नहीं आएंगी मेरे पास वैल्यू कैसे आएंगी एक डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज आएंगी डेसिमल। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं जब आप एक लूडो का दाना फेंकते हैं लूडो के दाने में आपके पास पॉसिबिलिटी होती है एक आ जाएगा दो आ जाएंगे तीन आ जाएंगे चार या पांच या छह ठीक है ये छह पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपको पता है कि छह से ज़्यादा हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत क्यों क्योंकि एक दफ़ा लूडो का दाना जब आप फेंकेंगे तो छह पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक है या तो आपके पास एक आएगा या दो दाने आ जाएंगे या तीन आ जाएंगे या आपके पास चार आ जाएंगे या आपके पास पांच आ जाएंगे या आपके पास छह दाने आ जाएंगे ठीक है सो ये छह पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपको भी पता है कि इन सभी में डिफरेंस बहुत कम है एक दो तीन चार पाँच छः सिर्फ काउंटिंग होगी लेकिन ऑन दी अदर साइड आपकी कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जब आप उसको मैयर करने बैठे और ये डायरेक्ट होल नंबर्स हमें ना दें उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस नंबर से फॉर एग्जांपल वो वन भी आए वन पॉइंट वन फिर वन पॉइंट वन 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 फिर उससे आगे 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 एंड लेस हमारे पास ऑपरचुनिटी हो किसी चीज को मैयर करने की यानी कि जो हमारे पास पिछले प्लॉट के अंदर गैप्स आए थे वो ना आए तो इस तरह के डेटा को जब हम प्लॉट करेंगे तो आपके पास साथ, -साथ इस तरीके से ड्रॉ होगी चीज़ें इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ चलेंगी और ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी उसके अंदर जो गैप है वो रखना चाहते हैं इन जो ये जो चीज़ें मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इनको हम बिन्स बोलते हैं बिन्स क्या होती हैं बिन्स होती हैं bins जैसे होती हैं ना इसी तरीके से बास्केट या टोकरी को बिन बोलते हैं उसके अंदर कितना डेटा आता है उसको हम शो करते हैं अब अगर मैंने यहाँ पे बिन्स लिखी हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यूस डेटा मेरा और मेरे पास बिन्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये बीस बिन्स के अंदर मैंने डेटा को सारे को प्रो दिया है ठीक है सो आप ये बिन्स भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं वेन एवर यू आर मेकिंग अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इसको हिस्ट प्लॉट बोलते हैं या हिस्टोग्राम बोलते हैं हिस्ट प्लॉट अब अगर आप गौर करें इस हिस्ट प्लॉट के ऊपर अगर मैं इस तरीके से एक लाइन लगाऊं ये लाइन जैसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है इस एक लाइन यानी कि ये जो मैंने लाइन बनाई है इसकी जो शेप है इस शेप को हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बोलते हैं यानी कि जैसा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग दीज डेटा पॉइंट्स वी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा जो डेटा की फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है कि एक कितनी दफा आ रहा है वो और दो कितनी दफा आ रहा है यानी कि डेटा पॉइंट कितनी कितनी दफा आ रहे हैं और उनसे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन रही है इस चीज को जब हम देखते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बोलते हैं यानी कि जब आप डेटा को हिस्टोग्राम के अंदर प्लॉट करते हैं वो आपको बताता है कि डेटा कैसा नजर आ रहा है ठीक है अगर अब आप देखें कि अगर आपके पास डेटा कुछ सीधा सा बनता है यानी कि डेटा में कोई उतार चढ़ाव नहीं है इस तरीके से अगर मैं एक लाइन लगा दूँ जस्ट अ मिनट अगर मैं ऐसे एक लाइन लगा दूँ तो ये डेटा मेरे पास सीधा बिल्कुल सीधा आ रहा है यानी कि दो की वैल्यू भी उतनी है बाकियों की भी उतनी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी कि कोई फर्क नहीं है इसमें सिंपल सीधी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अगर हम बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन में अगर कन्वर्ट करें जैसे हमने ऊपर वाली को किया था तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और इस तरीके से इसके ऊपर लाइन लगा के ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये लाइन जो मेरे पास आई है इट्स शोइंग मी दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम दे देते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ये इसी तरीके से हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी स्टडी की है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा अमंग होल डेटा पॉइंट्स ये जो आपने ड्रॉ किया है रिमेन्स द सेम ठीक है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई यहां तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई आपको कि नहीं आई होपफुली आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे समझ आ गई होगी तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को जब स्टडी करते हैं देन वी शुड कीप इन माइंड कि हमारे पास जो डेटा है वो कोई भी चीज हमारे पास जो है वो आ सकती है ठीक है अब इसी तरीके से हमारे पास और भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ठीक है और इन डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम अपना जो एनालिसिस है वो करते हैं अब आपको मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाता हूँ फिर हम उनको स्टडी करेंगे ठीक है मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लेके आता हूँ ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे पास आती हैं ठीक है थीके? अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आए कि आपका जो डेटा है ये बेसिकली मैंने डेटा साइंस दोजो से जो है वो तस्वीर ली है और बल्कि इस लोगों को मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ फिर आपके सामने दोबारा से एक इसका स्क्रीन शॉट लेके आता हूँ बिकॉज इट विल सेव अस अ टाइम ओके तो यूट्यूब चैनल का नाम है सी एस उसके ऊपर उनकी एक वेबसाइट भी है डेटा साइंस दोजो के नाम से तो ये उनकी एक तस्वीर बनाई हुई है आप खुद से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चैट जी पी डी पे जाए बट ऑन द अदर साइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो बिल्कुल प्लेन हो ऊपर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है और आपको अब समझ आ गया आगे कि बीच में इसके गैप्स हैं ये जो गैप्स हैं इसके अंदर इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है इट माइट बी डिस्क्रीट डेटा ठीक है जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आती है फिर आती है हमारे पास बर्नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपका डेटा जो है इसकी एक हाइट ऊपर को है दूसरी साइड जो है वो नीचे को है तो इस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिर पॉइसोन डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर आपके पास एक ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरी ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है और तीसरी आपके पास एक फ्लैट कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो एक ही डेटा के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो छुपी होती हैं एंड देन वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत मशहूर ज़माना है अगर एक बेल कर्व बन रही है कर्व बन रही है इसका मतलब बीच में गैप कोई नहीं है तो ये कॉन्टीन्यूस डेटा के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन रही है ठीक है तो कॉन्टीन्यूस डेटा पे बनेगी तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप गौशियन गौशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा पड़ी जाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है और सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लस आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं अगर आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन गौशियन है देट मीन्स कि आपका डेटा नॉर्मल डेटा है नॉर्मल डेटा का मतलब नहीं है कि आम डेटा इसका मतलब है कि द डेटा विच मेक्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेन यू प्लॉट दैट इन टू अस्टोग्राम ठीक है जब आप उसको प्लॉट करें तो आपका डेटा इस तरीके से बताए और यह डिस्ट्रीब्यूशन ही थी जो मैं बार बार बना के आपको दिखा रहा था सही है समझ आ गई फिर आपके पास टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब आप टी टेस्ट के एनालिसिस को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों क्योंकि इसके अल्फा हम देखते हैं और सेंटर पॉइंट देखते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है डिफरेंट वे के अंदर और आप इसको इस तरीके से देखते हैं अपने डेटा के अंदर समथिंग लाइक दिस तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की एक कर्व बनाती है बिल्कुल ऊपर से नीचे जाती है अब इसके अलावा आपकी और और किस्म की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं से फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक ये वाली हो गई और दूसरा आपके पास सेम होगी इसको हम बोलते हैं बाई मॉडल बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहां पे टू मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास चल रही है ठीक है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम बोलते हैं और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं दैट शोज समथिंग लाइक अ ट्रेंड जिसके अंदर मतलब यहां से बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और एट पास कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी कि ऊपर से ऐसे आ रही हो और यहाँ से ऐसे हो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती है इट विल बी समथिंग लाइक दिस ठीक है इसको मैं थोड़ा सा और ऑब्वियस कर लेता हूँ जस्ट अ मिनट हम यहाँ से इसको ऐसे उठाते हैं और ऐसे आपका आ जाती है ठीक है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड इसकी लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड ठीक है क्योंकि लेफ्ट से ये पिचकी हुई है पिचकी हुई है लेफ्ट साइड से तो इसको बोलते हैं स्क्यू होना स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड इसका नाम है लेफ्ट स्क्यूड यानी कि लेफ्ट साइड से पिच की हुई अगर ये राइट right साइड से पिच की हुई हो समथिंग लाइक दिस तो इसको आप बोलते हैं राइट right स्क्यूड ठीक है राइट स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड आपके पास आ गई यूनिफॉर्म का मैंने आपको बता दिया और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख ली इसके अलावा हमारे पास काफ़ी किस्म की और भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं विच वी कैन हैव अ लुक और मैं आपको वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाता हूँ अब होता यह है कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है ये टोटली totally डिपेंड करता है कि आप डेटा को कहाँ से रीड आउट कर रहे हैं और आपका डेटा कैसा दिखता है सिर्फ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके अंदर आप देखते हैं के आपके पास जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन है मैं दोबारा से आपको एक चीज याद करवा दूं बिल्कुल सीधी है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म नंबर वन यूनिफॉर्म नंबर टू ब्रनॉलिस बर्नॉलिस में क्या होता है एक साइड लेफ्ट पे है एक राइट right पे है ठीक है यानी कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसको ग्राफ के अंदर देखें ब्रनॉलिस को इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस इस तरीके से इस तरीके से ठीक है यानी कि आपका ये वाला साइन बना होगा समझ समझने बात को तो ये वाला साइन जब बना हो इसको इक्वेशन बोल देते हैं बाइनोमियल का मतलब क्या है कि आप ऊपर जा रहे हैं जा रहे जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं लेकिन वो डिस्क्रीट डेटा के ऊपर है ठीक है फिर आपके पास जो है वो जियोमेट्रिक भी है जियोमेट्रिक क्या हो होगी आप इस तरीके से नीचे को आ जाए और जियोमेट्रिक की किस्म है एक्सपोनेंशियल सही है फिर इसके बाद आपके पास और भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल या गोशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको लॉग नॉर्मल बोलते हैं इसको स्टूडेंट टी नॉर्मल बोलते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे दो किस्में हैं लॉग नॉर्मल एंड स्टूडेंट टी फिर नॉर्मल जो है ये काई स्क्ड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है बेस्ड ऑन द डेटा सेट कि आपके पास डेटा सेट कौन सा है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को लेफ्ट या राइट स्क्यूअ डिस्ट्रीब्यूशन को हम गैमा या बीटा बोल देते हैं तो ये हमारे पास होगी अगर इसको देखें तो राइट right साइड पे है स्क्यूड ये लेफ्ट साइड पर है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टाइप की होती हैं और आपने उन डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हैंडल करना होता है अब डिस्क्रीट वर्सेज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कॉन्सेप्ट कि डिस्क्रीट डिस्क्रीट वर्सिज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीट वो वाली होंगी जो डिस्क्रीट डेटा पे बनेगी है ये भी नुमैरिक डेटा और है ये भी न्यूमेरिक डेटा तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हमेशा डेटा पे बनेगी ठीक है और कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का फर्क कहां पे आ रहा है जो मैंने पहले भी बताया ये काउंटिंग में है और ये आपके पास कॉन्टीन्यूस नंबर्स के अंदर है यानी कि डेसिमल पॉइंट्स है और इसमें फर्क बहुत ज्यादा होता है ठीक है सो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको अगर देखें तो डिस्क्रीट के अंदर जो सबसे ईजी एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जनाब बर्नॉलिस इक्वेशन आपको भी पता है कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से बर्नॉलिस इक्वेशन को फॉलो करके चल सकता है यानी कि डिस्क्रीट डेटा होगा समथिंग लाइक दिस कुड हैपन ठीक है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और बर्नॉलिस इक्वेशन जो है ये एक हमारे पास डिस्क्रीट डेटा की टाइप हो सकती है सेकंड हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डेटा की टाइप हो सकती है यानी कि हर बंदे के पास इक्वल पैसे जब निकलें तो इस तरह की डेफिनेशन हम ले सकते हैं और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है और डिफरेंट किस्म की और डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती हैं सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वेन अवर वी आर ड्राॅइंग सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एंड फाइंडिंग अ वे आउट के हमारे पास डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ठीक है ओके okay. होपफुली आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बिकॉज इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे आपके पास जो डेटा है वो आता है ठीक है सो अब हम क्या करेंगे पाइथन के अंदर जाते हैं और इन डिस्ट्रीब्यूशनस को ड्रा करके देखते हैं और आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ एंड लेटमी सी के कोई इशू ना हो स्क्रीन शेयरिंग में बिकॉज जब स्क्रीन शेयर करनी होती है तो हमारे पास अक्सर उकात इशू आ जाता है बट नाउ इट्स वर्किंग फाइन तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे गौर करें जी आप अब हमारे पास यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की एक नई नोटबुक बनाता हूँ जीरो टू अंडर स्कोर डिस डॉट आई पी वाई एन बी ठीक है सो so, हम यहाँ पे काम करेंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का और यहाँ से मैं पाइथोनिडिया वाला चैप्टर ओपन कर लेता हूँ तो सबसे पहले डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसको मार्कडाउन में कर लेते हैं ताकि हमारे पास इजीली हो जाए अब मैं यहां पे इंपोर्ट करता हूं लाइब्रेरीज इंपोर्ट लाइब्रेरीज तो सबसे पहले जी इंपोर्ट पांडास एज पी डी इंपोर्ट नम पाई एज एन पी इंपोर्ट मैट प्लॉट लेप मैट plot. लेब dot. पाई प्लॉट एज क्योंकि हमने ड्रॉ भी करनी है तो इस वजह से हमें यह भी चाहिए लाइब्रेरी import सी as sns. ठीक है और इसके अलावा हम import. फ्रॉम scipy. import stats. ठीक है क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स के थ्रू भी चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कौन सी है और कौन सी नहीं है राइट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये हमने लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर ली एंड देन what वी आर गोइंग टू डू आई एम actually loading एक्चुअली लोडिंग द डेटा सो लोड द डेटा seaborn सी बॉन्ड से डेटा लेते हैं डी एफ इज एकवल टू टिप्स का डेटा ले लेते हैं हम और ये डेटा कैसा दिखता है मैं यहाँ पे आपको डी एफ डॉट हैड करके दिखा देता हूँ इट विल लुक लाइक दिस तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है टोटल बिल का टिप का सेक्स है हमारे पास कैटेगोरिकल स्मोकर है डे है टाइम है एंड साइज है अब हम देखते हैं कि किसकी हम हिस्ट प्लॉट बना सकते हैं मैं यहाँ पे इस डेटा को रखता हूँ यहां पे एस एन एस अब हम करेंगे ड्रॉ hist प्लॉट विथ uh, क्या उसको बोलते हैं इट्स नॉट कर मुझे वो नाम माइंड से निकल गया बट हम देखते हैं हाँ के डी के डी इसको बोलते हैं ओके, okay. सो so, ये हमने यहाँ पे डी एफ यानी प्लॉट बनाया डेटा फ्रेम में टोटल बिल के ऊपर बनाया और के डी इज इक्वल टू ट्रू किया सो so, ये हमारे पास ये वाला प्लॉट सामने आया ठीक है ये वाला प्लॉट हमारे सामने आ गया मैं इसका जो पी एल टी डॉट फिग साइज भी कर लेता फिग फिगर साइज यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेटा जो है वो हमारे सामने रहे तो ये हमने एक डेटा शेप जो है हमने बना ली तो अगर आप गौर करें तो यह राइट्स स्क्यूड है ठीक है अगर आप देखें तो ये प्लॉट के ऊपर बन गई अगर आप के डी ई इज इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तो आपके पास वो लाइन नहीं बनेगी तो आपके पास डेटा इस तरीके से आ रहा है लेकिन हम इसमें के डी ई इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो लाइन भी आए सो इट विल शो अस द लाइन तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई टोटल बिल की और ये डेटा की बेस पे हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। हम देख रहे हैं तो है? right कि है नहीं वो अभी हम बात नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूं कि ये तो हमने बना ली टोटल बिल के ऊपर ठीक है अब यही चीज हम अगर बनाएं टोटल बिल के बजाय मैं यहां पर दोबारा आता हूं और टोटल बिल के बजाय मैं टिप के डेटा पे बनाता हूं टिप्स नॉट टिप्स टिप तो आप गौर करें हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी सी बन रही है और यहाँ पे गौर करें तो इतने से एरिया में बाई मॉडल आ रही है और अगर गौर करें तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है नॉर्मल का मतलब ये बिल्कुल अच्छी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन बट दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ये तो हो गया टिप पे टिप पे क्यों ऐसे बनी है क्योंकि अक्सर औुआत लोग कुछ ज़्यादा टिप देते हैं को कम देते हैं ठीक है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लोगों के टिप देने में ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नुमेरिक डेटा पे क्यों बनाते हैं और कैटेगोरी के की के कैटेगोरिकल पे क्यों नहीं बनाते हैं? ये लें जी मैंने कैटेगोरिकल पे बनाई है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है मेल वर्सेज फीमेल सीधा सीधा काउंट आ गया इसमें कुछ और नहीं आया मेरे पास इस वजह से कैटेगरी पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनती ठीक है अगर मैं यहीं पे स्मोकर लिखूंगा तो मुझे यही पता चलेगा स्मोकर और नॉन स्मोकर का काउंट कितना है दैट्स इट गौर करें यस और ना आ गया कोई गैप नहीं है बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो यस मेरे पास जो है स्मोकर वो इतने हैं और नॉन स्मोकर इतने हैं सिर्फ ये मुझे फ्रीक्वेंसी पता चलेगी नथिंग एल्स और अगर मैं इसको डे के ऊपर बनाऊँ या टाइम के ऊपर बनाऊँ देन आई विल हैव डिफरेंट रिजल्ट मैं यहाँ पे डे के ऊपर बना लेता हूँ तो डे पे बनाने से मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया तो अगर आप गौर करें डे में चार वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है ठीक है सो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन रही है जैसे हमारे पास डेटा की वैल्यू यूनिक वैल्यूज चेंज होती जाएंगी हमारे पास शेप बनती जाएगी अब हम डिस्क्रीट डेटा पे बनाते हैं साइज़ के ऊपर मैं बनाता हूँ एंड लुक ये आपका टेबल साइज है अब आपने देखा कि सभी के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है और यहां से स्टार्ट हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन और राइट साइड पे ख़त्म हो रही है तो ये डिस्क्रीट डेटा है यानी कि टेबल एक पे कितने लोग बैठते हैं सिंगल बैठते हैं दो बैठते हैं तीन चार पांच या छह ये एक प्लॉट आपको बता रहा है कि ज़्यादातर लोग कपल्स आते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट के अंदर और ये चीज शो कर रही है कि 160 के करीब कपल्स आए हैं या दोस्त या कपल या वर दो दो लोग ठीक है और तीन लोग कम आए हैं चार भी कम आए पांच तो बिल्कुल ही कम है छह बिल्कुल ही कम है सिंगल लोग भी आते रहे सो दिस इज हाउ यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द डेटा सेट और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है जी यहां तक आपको क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या होती है वो एक बेल कर्व बना देती है और उस बेल कर्व के अंदर हम देख सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा किस तरीके से स्टोर होता है ठीक है यहां तक आपको समझ आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमारी जो है वो बनती है अब हम क्या करेंगे कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं ठीक है अब आपने क्या करना है आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म का डेटा डाउनलोड करें मैं यहाँ पे डी एफ अंडर स्कोर ज़ीरो वन करके यहाँ पे करता हूँ लोड टाइटेनिक डेटा और टाइटेनिक डेटा लोड करते वक्त हम एस एन एस लोड टाइटेनिक डेटा कर लेंगे और डी एफ इजकल टू अंडर स्कोर जीरो वन में से कर लेता हूँ ठीक है so, सो टाइटेनिक के डेटा के ऊपर जब हम एनालिसिस करेंगे डी एफ अंडर स्कोर ज़ीरो वन डॉट हैड तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा है इसका ठीक है इस तरीके से डेटा है मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको कोड के साथ साथ डेटा भी नज़र आए तो ये आपके पास डेटा आपको नजर आ रहा होगा ठीक है ये हमारे पास डेटा है अब मैं क्या करूँगा इस पे हिस्ट प्लॉट बनाता हूँ एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट और किस पे बनाना है हमने डी एफ अंडर स्कोर जीरो वन जो है ये हमारा डेटा के इक्वल है डेटा इज इक्वल टू नोट हेयर डेटा इज इक्वल टू डी एफ अंडर स्कोर ज़ीरो वन कॉमा एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे एज को और के डी ई थ्रू कर देते हैं सो so ये आपके पास टाइटानिक का डेटा क्या मसला है यहाँ पे हिस्ट प्लॉट सी Set code, okay, X बड़ा है Discard. तो ये हमारे पास इस तरीके से एज का डेटा आ गया एज के डेटा में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल है लेकिन स्टार्ट में बच्चों की एज को छोड़ के अगर मैं यहां पे फेयर का डेटा लिखूं तो देन यू कैन हैव अ लुक कि ये आपकी फेयर का डेटा है ठीक है अब अगर आप गौर करेंगे ये फेयर का डेटा हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है बिल्कुल ही राइट सिक्यूड है उसकी रीज़न ये है कि हमने किराया तो लिख लिया लेकिन आपको पता है कि जब हम रेंट के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर डेटा को अनलाइज़ करेंगे देन वी हैव टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स लेकिन उससे भी पहले आपको मैं बिन्स का कॉन्सेप्ट बता के हटाऊँ यहाँ पर बिन्स इक्वल टू ट्वेंटी करता हूँ तो ये सारे का सारा डेटा ट्वेंटी बिन्स के अंदर डिवाइड हो गया अगर इसको मैं 50 बिन्स करूंगा तो ये सारे का सारा डेटा 50 में हो गया अगर मैं इसको 100 बिन्स में करूंगा तो ये सारे का सारा डेटा 100 बिन्स में हो गया सो इट्स टोटली अप टू यू कि कितने बिन्स रखनी है मैं यहाँ पे अभी के लिए 100 कर लेता हूँ बल्कि मैं 100 की बजाय 300 कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास जरा सिस्टम की स्पीड ठीक है सो आई कैन एक्चुअली मेक तो आप देखें बरीक होता जा रहा है लेकिन जैसे मैं यहां पर ही लिखता हूं हु, ह्यू इज इक्वल टू और यहां पे मैं पी क्लास लिख देता हूं तो आप देखिएगा आप जस्ट अ मिनट कुट इंटरप्रेट द डेटा फॉर पी क्लास यू एज इंट्री इट डज नॉट अपियर इन द डेटा ओके डबल एस अब देखिएगा अब आपके पास डेटा तीन किस्म का हो गया अगर आप गौर करें ना अब आपका डेटा जो है वो तीन किस्म के कलर्स में आ गया बट स्टिल वी नीड टू फाइंड अ वे आउट के आपका बिन्स जो हैं ये कितनी में शो करता हूँ मैं यहां पे पचास करता हूँ लुक आपका डेटा तीन किस्म का हो गया पी क्लास वन पी क्लास टू एंड पी क्लास थ्री अगर आप गौर करें डेटा के अंदर पी क्लास जो है वो आपको बता रही है कहां गया कहां गया कहा गया कहां गया पी क्लास ये ये एक इंटीजर वैल्यू है वन टू एंड थ्री इस वजह से ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है लेकिन जैसे ही मैं यहां पे क्लास का आर्गूमेंट दूंगा ना तो ये डिफरेंट आपके पास शो होगी समथिंग लाइक दिस क्यों क्योंकि वन टू एंड थ्री ग्रेजुअली ऑर्डिनल वेरिएबल लग रहा है आपको ठीक है क्योंकि ये वन टू थ्री नंबर्स में अंदर आ रहा है और वो स्केल बार कलर बार की बेस पे आ रही है तो जैसे मैंने उसको चेंज किया इन टू डिफरेंट क्लास अब आपके पास हर क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है यहां पे क्या हुआ है हर क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने प्रिंट हो गई है और आपको भी पता है कि थर्ड क्लास जो है है वो ग्रीन वाले के अंदर आ रही है, और जो आपके पास सेकंड क्लास है वो इस तरीके से आ रही है और फर्स्ट क्लास ऐसे आ रही है अभी आपको समझ नहीं आई होगी लेकिन जैसे मैं एज के ऊपर यही चीज शो करता हूं देन यू कैन हैव एन है अब आपके पास फर्स्ट क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट आ रही है सेकंड की सेपरेट आ रही है थर्ड की उससे डिफरेंट आ रही है सो नाउ यू कैन एक्चुअली लुक इनटू टू दीज एर बार्स और सॉरी जिसको हम कर्व्स uh, कहते हैं या बेल कर्व कहते हैं या कर्व्स बोलते हैं और उसकी बेस पे आपके डेटा की क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन शो होगी जैसे मैं ह्यू को यहाँ से रिमूव करता हूँ देन यू विल हैव एन आइडिया कि आपका डेटा इस तरीके से है लेकिन हमारे पास ह्यू को डालने से हमें समझ आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉलम की नहीं देखी जाती डिस्ट्रीब्यूशन पूरे डेटा की देखी जाती है समझ आई बात की अब आपने क्लासेस के थ्रू तो इसको कर दिया लेकिन सेंस ये बनती है कि आप एज को हू की बेस पे करें ठीक है Who से मुराद ये है कि मेल फीमेल या चाइल्ड तो मैं हु की बेस पर करता हूं एंड है यू गो मैन वुमेन चाइल्ड अब आपको समझ आ गई कि ये जो खराब कर रही थी ना डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्टार्ट में वो बेसिकली चिल्ड्रन की डिस्ट्रीब्यूशन थी तो चिल्ड्रन को अगर आप सेपरेट कर लें मेल और फीमेल को सेपरेट कर लें देन यू विल हैव अ डेटा विच इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल डेटा ठीक है लेकिन पूरे का पूरा डेटा अगर आप देखेंगे यहां पे मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं सॉरी कॉपी यहां पे मैं से पेस्ट करता हूं और ह्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ नाउ इफ़ यू हैव अ लुक हेयर तो आपका डेटा स्टार्ट में ख़राबी पैदा कर रहा है जैसे मैंने उसको क्लास में कन्वर्ट किया स्टार्ट सेट हो गया ठीक है और अगर आप एंड में भी कुछ चेंज करना चाहें तो आपको समझ आ जाएगी कि डेटा किस तरीके से आप लेंगे अब आपको याद आएगा कि कल मैंने आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज बताई थी जिसके अंदर सिर्फ आप 50 परसेंट डेटा लेते हैं अब मैं यहां पे इसी प्लॉट का बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करता हूं एस एस बल्कि बॉक्स प्लॉट मैं यहीं से बनाता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि किस तरीके से बॉक्स प्लॉट हमारा काम करता है एक्स में मैंने एज रख दी के डी ई हम नहीं रखते बिन्स भी नहीं रखते और इस तरीके से अगर बनाएं तो ये बॉक्स प्लॉट है अब आप गौर करें ये ऊपर वाला मैन है सेंटर वाला वुमेन है और ये चाइल्ड है आपका मेल और फीमेल का डेटा जो है वो इतना जो बीच में है ये 50 परसेंट डेटा है बाकी राइट साइड पे 25 जो है वो काम ख़राब कर रहा है यानी कि बूढ़े लोग जो हैं उसी के अंदर हैं लेकिन अगर आप गौर से देखें तो औरत जो है जो मे फीमेल है उसकी मैक्सिमम एज पैंसठ है और मेल की मैक्सिमम एज 80 है तो इसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है ई के अंदर भी कि हमारा डेटा जो है ये वाला ना तो नॉर्मल है ना ये वाला नॉर्मल है या ये वाला नॉर्मल है ये कैसे आपको पता चला अब आप गौर करें ये अगर राइट स्क्यूड है ना इसका मतलब इसकी राइट साइड लंबी है और यही चीज अगर आप यहां पे देखें तो इसकी राइट विस्कर लंबी है बॉक्स प्लॉट के अंदर ठीक है और लेफ्ट विस्कर इसकी छोटी है ये विस्कर या एरर बार इसे बोलते हैं यह विस्कर हैं। और आप देखें कि राइट साइड पर यह विस्कर कितनी है अच्छी खासी लंबी है यहां से बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका डेटा किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है लाइक दिस चेक करें अब आपका ये वाला मैंने पूरे डेटा ड्रॉ किया इसका मीडियन जो है लेफ्ट साइड पे गया हुआ है थोड़ा सा ठीक है और राइट right साइड पे आपके आउटलायर्स भी हैं सो so, इसका मतलब ये वाली जो चीजें हैं दीज माइट बी आउटलायर्स फॉर द डेटा क्यों मैं आपको रीजन बताता हूं रीजन ये है कि फीमेल का तो डेटा ही नहीं है उसका ठीक है और चिल्ड्रन का भी नहीं है तो अगर आप इस डेटा को रिमूव कर देते हैं आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा क्यों क्योंकि आप मेल फीमेल को जब भी चेक करेंगे तो आपका डेटा इस तरीके से फॉलो करेगा एक डिस्ट्रीब्यूशन बट देर इज ए बट साफ और बट ये कहता है कि यहां पे जब आप इसी प्लॉट को ड्रा करें और हु में सेक्स रख दें यानी कि मेल वर्सेस फीमेल नाउ यू विल हैव एन आइडिया कि मेल जो हैं वो चिल्ड्रन में भी हैं फीमेल भी चिल्ड्रन के अंदर है नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि डेटा आपका नियरली नॉर्मल है सिर्फ ये वाला चीजें जो है खराब कर रही हैं आपको तो आई क्यू आर मेथड से जब आप इसे रिमूव करेंगे आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा सो द थिंग इज कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा कोई डेटा तो देर आर फ्यू मैथड्स के आप वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करवा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप पाइथन को यूज करते हुए डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी एग्जाम्पल जो है आपके पास फिट बैटरी और कौन सी आपके पास फिट नहीं बैटरी अब यहां पे एक कोड में और लाता हूं और यहां पे आपको शो करवाता हूं सी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे इस कोड के थ्रू सॉरी यहां पे मैं इसे पेस्ट करता हूं और इसे हम रन करते हैं ये ले तो आपके पास तीन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स यहां पे आपको दिखा दी और ये हमने पीएलटी यानी कि जो हमारे पास मैट प्लॉट लिप की लाइब्रेरी है उसे यूज किया अब देखें ये है जी सबसे पहली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे होता है कि आप ऐसे ऊपर इसके कर्व लगा के चेक कर सकते हैं या आप वैसे इसको देख सकते हैं लाइक दिस सेकेंड है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आती है ठीक है यानी कि आपके पास कोई चेंज नहीं आ रही होती आप सीधी सीधी आपके पास लाइन बन रही है और एक्सपोनेंशियल के अंदर आप ऊपर से नीचे की तरफ, की तरफ तरफ एक्सपोनेंट ग्रोथ कर्व आते हैं कि ऊपर पहले बहुत ज्यादा थे फिर कम हो गए सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन एक्चुअली हेल्प यू टू प्लॉट डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब आपने खुद चेक करना है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है and how these distributions कैन हेल्प अस टू लीड डिफरेंट kind ऑफ डेटा ठीक है और इसके लिए आप नेट से डिसाइड्स कर सकते हैं कि कितनी किस्म की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और बाकी किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास किस तरीके से आती हैं बट फॉर नाउ जो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी रीज़न मेन यही है कि डेटा कैसा दिखता है ये आप हैं जिसने ये अंदाज़ा लगाना है कोई आपको बताएगा नहीं कि ये नॉर्मल डेटा ये आपने चेक करना है ठीक है देर आर फ्यू टेस्ट एज वेल जो नॉर्मेलिटी के हैं जो मैं आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा अभी मैं आपको पी वैल्यू के साथ कन्फ्यूज नहीं करना चाहता सो आई एम रिटेनिंग इट फॉर लेटर स्टेजेस सेकेंड ये आपका डेटा नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है आपका सारा काम आगे तक स्मूथली जाएगा अगर नॉर्मल नहीं है तो आप डेटा को क्लीन करते हैं डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं जो मैंने तरीकेकार आपको पिछले माह के लेक्चर्स में भी बताए हैं और इस दफा दोबारा बताऊंगा कि डेटा में से आउटलायर्स कैसे रिमूव करते हैं आउटलायर होते क्या हैं जब आप उन्हें रिमूव करते हैं आपका डेटा जो है वो नॉर्मल हो जाता है क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीन को एक आउटलायर उठा के दूर पे ले जाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसी है ना अगर यहां पे एक आउटलायर आ गया इसने उठा के इसको ऐसे कर देना है यानी कि थोड़ा सा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लंबी या पिचकी हुई हो जाएगी सो यू आर द वन होव टू डिसाइड कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी दिखनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ टेस्ट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एल ऑन दैट डेटा कैन वर्क वेरी वेल अगर डेटा नॉर्मल नहीं है देन यू हैव टू मेक दैट डेटा नॉर्मल और उसके लिए अब आपके पास आती है एक छोटी सी असाइनमेंट यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड आउट आपकी असाइनमेंट ये है आपने ये सर्च करना है क्वेश्चन नंबर वन इज यहां पे मैं लिख भी देता हूं असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर वन इज वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम टेंट इन डेटा साइंस डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के अंदर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल रखती है ठीक है यह एक क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा सेकेंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर टू दैट इज अगर एक चीज नॉर्मल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे हाउ टू नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज द डेटा डेटा को नॉर्मल कैसे करना है देर आर मैथड्स जो अच्छे खासे मैथड uh, जो हैं वो हमारे पास आते हैं तो उसके आपने नाम देखने हैं और उनका तरीका कारखना है मैथड्स आपने फाइंड आउट करने हैं कि डेटा को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है ये दो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए और आप इस पर सर्च कर लेंगे देन इट मीन्स के आपके लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की तरफ आहिस्त आहिस्ता इस इसी वजह से लेके जा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है और क्यों कैसे किस वजह से हमने करनी है और अगर डेटा नॉर्मल है तो उसका एक नाम होता है पैरामेट्रिक टेस्ट उस पर फिर लगते हैं ठीक है वो हम बाद में देखेंगे लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगते हैं तो पूरी की पूरी टेस्ट की क्लासेस बनी हुई हैं टू कंपेयर द मीन्स कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है बाकी इस तरह की और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, है तो यहाँ पर अगर किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले लें ताकि आपको ये असाइनमेंट याद रहे एंड यू हैव टू सेंड मी दैट असाइनमेंट ऑन डिस्कॉर्ड चैनल जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से हमारे पास अच्छा काम करती है ठीक है समझ आ गई अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपने देखना है कि कितनी किस्म की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं ठीक है सो आई मीन टू से आपने सबसे पहले तो यही चीजें देखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या एंड देन यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बनाते हैं ओके okay. ओके okay जी होपफुली आपने इसका स्क्रीन ले लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कैसे करना है चीजों को कैसे समझना है आई नो के ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ और इसकी मेन रीज़न यही है कि आप खुद से भी सर्च करना जाने और खुद से देखें कि किस तरीके से हमने चीज़ों को मेनटेन करके सीखना है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जितनी भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बट इन डिफरेंट केसेज़ तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू लीव यू विद दिस टू क्वेश्चन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट किस वजह से ज़रूरी है और हम डेटा को नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं इन दो चीज़ों के ऊपर पूरी की पूरी मशीन लर्निंग की बेसिक अजम्पन्स खड़ी हुई हैं मशीन लर्निंग के अंदर आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तब यूज़ करते हैं जब आपका डेटा का बारे में आपको पता हो कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है और बाकायदा एजम्पन्स के अंदर डिफरेंट एजम्पन होती हैं कि अगर ये है तो मैं मशीन लर्निंग का एज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मैं फिर काम करूँगा वरना नहीं काम करूँगा तो ये क्या है मतलब उनकी शराय क्या है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दफ़ा आती है तो इसको अच्छे से देखें सेकेंडली आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो यही होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करना है नॉर्मलाइज़ आपने एक डमी डेटा सेट पे इसको नॉर्मलाइज़ करके देखना भी है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार ठीक है पाइथन के अंदर हम डेटा को नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं तो मैथड सिर्फ लिखने नहीं है आपने पाइथन के ऊपर उन्हें परफॉर्म भी करना है ठीक हो गया जी यहाँ तक क्लियर हो गया सो so, अगर आपने लाइक like नहीं किया हुआ है इस लेक्चर को तो प्लीज़ डू इट और अगर आप इस कोर्स में बिल्कुल नहीं हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक्स दिए हैं जहाँ पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टोटली फ्री यू डोंट नीड टू पे एनी और रोजाना साढ़े बजे पाकिस्तान टाइम पर हम यहाँ पर आपको टीच करते हैं